इट्स् स्टार्ट् विद् मन्त्र ओ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाशान्तिकरा भवन्ति शुरू करते हैं बनता कैसे अः मैं ये आ, आशा करता हूं कि आप लोगों के हाथ में एक रजिस्टर और एक पेन जरूर हो जिससे कि जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा आप अपने पास नोट डाउन भी करते रहे देखिए ये एक टेबल है बहुत सिंपल सी ये टेबल में क्या लिखा है कि सूर्य अपने से यानी कि जहां कुंडली में बैठा हो वहां से जब भी पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें नौवें, दसवें या ग्यारहवें घर में आता है या ग्यारहवें भाव में आता है तो सूर्य शुभ फल देता है मैं दोबारा बताऊंगा कुंडली में जहां भी आपका सूर्य बैठा है मान लीजिए तुला में बैठा है तो वो कहते हैं कि तुला के ऊपर से जब सूर्य गुजरेगा तुला से अगले घर यानी दूसरे भाव वृश्चिक से जब गुजरेगा तुला से चौथे घर यानी मकर में जब गुजरेगा तुला से सातवें घर यानी मेष में जब गुजरेगा तुला से आठवें घर यानी जब ऋषभ में गुजरेगा करके जो जो बाकी हाउसेज है तब तब सूर्य को अच्छा फील होता है सूर्य को मजा आता है सूर्य फल देने में सक्षम हो जाता है उसी प्रकार जन्म कुंडली में जहां आपका चंद्रमा बैठा है जन्म कुंडली में जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है चार्ट में उससे तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवे इन घरों में जब सूर्य आता है तो शुभ फल देता है ये सभी हम लोगों ने पढ़ा होगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसके बारे में ध्यान दीजिएगा चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठा है उससे तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवे भावों में जब सूर्य का गोचर आता है तो हम कहते हैं कि अब सूर्य ज्यादा फल देगा अच्छे फल देगा इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी लिखा है कि मंगल से कहां जाने पर अच्छा होता है बुध से कहां जाने पर अच्छा होता है गुरु से कहां जाने पर अच्छा होता है तो ऐसी टेबल आपको अष्टक वर्ग की किसी भी किताब में मिल जाएगी चाहे आप फल दे पिका लें चाहे आप पराशर हो ले, चाहे अष्टक वर्ग की कोई भी किताब आप मार्केट से परचेज कर ले तो आप ये देखेंगे कि उसमें ये सारी चीजें दी हुई है आगे बात करते हैं अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें टेबल चलो उससे मिल गई आ, बुक से मिल गई और एग्जाम्पल चार्ट के लिए मैंने ये चार्ट आपके सामने रख रखा है जो अभी आप देख रहे हैं चार्ट कर्क लगन का है पांचवे घर में मंगल बुद्ध राहु सूर्य शुक्र है बारहवें घर में शनि चंद्र है ग्यारहवें में केतु है और आठवें घर में गुरु है देखिए ये चार्ट आपको मिलता ही आपको पता ही आपके पास सॉफ्टवेयर होगा उसमें चार्ट निकला हुआ आ जाता है और इसके अलावा ये टेबल जो मैंने कहा ये किसी भी क्लासिकल बुक से आप ले सकते हैं अगर कोई भी किताब घर में अष्टक वर्ग की पढ़ी है या कोई क्लासिकल बुक पढ़ी है उसमें टेबल दिया होगा अब मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करना है और पहला स्टेप पूरा करना है जिसे भिन्नाष्टक कहते हैं तो पहले वो समझ लेते हैं जो मैंने शुरू में कहा ना पंद्रह मिनट कैलकुलेशन के लिए मैं लूंगा वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस, आ, इसके फलित पर आते हैं ओके अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया ये ऊपर एक खाली टेबल बना ली इसमें बारह राशियों के नाम लिख दिए वृश्चिक, धनु मकर कुंभ मीन वगैरह वगैरह आप चाहो तो इसको एक से बारह लिख लो चाहो तो आप मैंने आठ से क्यों लिखा है क्योंकि इस कुंडली में सूर्य आठवीं राशि में है तो इस वजह से मैंने आठ से इसको चालू किया है ओके तो यहां पर बारह राशियों के नाम लिख लीजिए यहां आपके आठो जो अष्टक वर्ग में इंपॉर्टेंट चीजें हैं सात ग्रह और लगन वो सारे लिख लीजिए किस ऑर्डर में लिखना है जो सबसे मंदा चलता हो उसको सबसे पहले लिखिए शनि सबसे ऊपर आया फिर जो थोड़ा उससे तेज है गुरु उसको लिखा फिर उससे तेज मंगल फिर उससे तेज सूर्य फिर शुक्र और तेज चलता है मरकरी शुक्र से भी तेज है चंद्रमा सवा दो दिन में राशि बदल देता है और लगन दो घंटे में बदल जाता है तो आपने इसी ऑर्डर में साथ में टेबल बना ली प्लैनेट के नाम लिख है अब क्या करें कुंडली आपके सामने है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि शनि इस कुंडली में किस राशि में बैठा है ओके okay. देखिए जो एक्सपेक्टेड था आप में से सभी लोगों ने जब तक जितना आंसर अभी दिया है विनय मोक्ष विवेक निलय प्रिया कुमारी संदीप त्यागी अः वगैरह सब ने मिथुन राशि बताया जैसा कि चार्ट में दिखता है तो मैंने क्या किया इस पर एक मार्ग बना दिया कि ये यहाँ पर बैठा है इसी तरह गुरु देखा गुरु इस कुंडली में बैठा है कुंभ राशि में मैंने कुंभ पे मार्ग बना दिया मंगल बैठा है स्कॉर्पियो में वृश्चिक में तो मैंने यहां पर आठ के ऊपर एक हल्का सा मार्ग बना दिया कि भैया यहां पर है सूर्य बैठा है वैश्विक में अगेन ये मार्क फिर कंटिन्यू वही हो गया शुक्र भी यही है आसान काम हो गया बुध भी यही है फिर दोबारा यही बना दिया और चंद्रमा इस कुंडली में मिथुन में है तो मिथुन के नीचे चंद्रमा के सामने मैंने मार्क लगा दिया इसके बाद लगन देखा लगन कुंडली में कर्क लगन है तो जहां कर्क है उसके उसके नीचे मार्क लगा दिया आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो बहुत सिंपल शब्दों में जहां जो ग्रह बैठा है वहां वहां मार्क लगा दीजिए अभी तक 10 लोगों ने कंफर्मेशन दे दी है कि उन्हें यहां तक सब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अब करना क्या है अब जैसा कि बताया गया है नीचे वाली टेबल का इस्तेमाल कीजिए और इसको भरिए कैसे सबसे पहले शनि से चालू करते हैं देखिए नीचे जो ये सेवंथ पॉइंट लिखा है ये लिखा है शनि से पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें नौवे दसवें ग्यारहवें घर में सूर्य शुभ होता है तो मैं क्या करूंगा जहां जहां इन्होंने बताया वो शुभ होता है वहां वहां पॉइंट लगा दूंगा कैसे शनि से पहले शनि मेरा बैठा है मिथुन में तो पहला घर तो यही हुआ यहाँ एक नंबर लिख दिया फिर कहा शनि से दूसरे फिर उससे अगले घर में एक नंबर लिख दिया फिर कहा शनि से चौथे तो एक दो तीन चार कन्या में एक पॉइंट लिख दिया फिर कहा गया शनि से सातवें एक दो तीन चार पांच छ सात यहां पर एक पॉइंट लिख दिया आठवें अगले में भी पॉइंट लिख दिया नौवे यहां पर भी एक पॉइंट लिख दिया दसवें यहां पर भी लगा दिया और ग्यारहवें यहां पर भी लगा दिया सिंपल शब्दों में जहां शनि बैठा है वहां से उन-उन घरों पे मार्क लगा दिया या वहां स्कोल दे दिया अब बात करते हैं गुरु की गुरु में लिखा है गुरु से पांचवे छठे नौवे ग्यारहवे जाने पर सूर्य को बिंदु मिलते हैं या आ, वो गोचर अच्छा है तो हमने क्या किया गुरु से पांचवे छठे घर को गिनना चालू किया कोई हेल्प करेगा मेरा मुझे बताएगा गुरु से पांचवे घर कौन सी राशि में पड़ेगा गुरु से पांचवे घर में कौन सी राशि आएगी हम्म उत्तर दिया जा रहा है जैमिनी तो जो कि बिल्कुल सही बात है अगर मैं गुरु पर उंगली रखते हुए पांच घर आगे बढ़ता हूं तो जैमिनी आता है तो मैंने उसी के बेसिस पर गुरु से पांचवे घर पहले तो देखा गुरु कहां था ग्यारह में था एक दो तीन चार पांच यहां पॉइंट लगा फिर कहा गया गुरु से छठे भी तो यहाँ पर भी लगा लिया फिर कहा गुरु से नवे भी गुरु से नौवा अगर ये छे सात आठ नौ यहाँ लगा लिया उसके बाद कहा गया ग्यारहवे तो जहां ये यहां पर बैठा है गुरु से वहां से ग्यारहवे हो जाएगा धनुराशि समझ लें अगर यहाँ कुंभ है तो इससे ग्यारहवे घर में यहाँ पर हो गई कुंभ राशि धनु राशि तो धनु में पॉइंट लगा लिया आई होप मैं इसको और बढ़ाऊंगा नहीं इतना ही दो आपको बता दिया इसी तरह बाकी ग्रहों का भी बनाना होता है इस टेबल को देखते हुए जैसा अभी आपने टेबल देखी ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ अगर क्लियर हुआ तो बताइए फाइन, फाइन। हाँ जी, जो नहीं बता रहे एटलीस्ट वो स्क्रीन पर ही अगर थम्सअप कर दे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ आप लोगों को हो गया अंजू जी आपको हो गया रितु तो, आप ओके फाइन ग्रेट चलिए योगेश जी क्लियर हुआ ये पॉइंट फाइन ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद अगला स्टेप क्या है ये आपकी टेबल जो हम यहां पर बनाते हैं, वो अब कुछ इस तरह की नजर आएगी ठीक है जैसे हमने शनि के आगे वो एक 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 लिखा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप आपने देखा होगा तो जो बाकी जगह बच गई वहां पे जीरो लिखती है इस इस तरह ही गुरु का बनाया गया आपको याद होगा आप ही ने कहा था मिथुन में आप पांचवा घर है गुरु आ, गुरु से पांचवा घर में मिथुन राशि है वहां पर हमने एक दिया था कर्क में एक दिया था यहां पर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वहां पर अपने आप ही पॉइंट इन्होंने चढ़ाए हुए हैं तो आपकी टेबल जब वो कंप्लीट होगी तो कुछ इस तरह से नजर आएगी जैसे अभी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये अगर ये टेबल आपने बना ली बनी बनाई तो अब मार्केट में मिल जाती है लेकिन अगर आपको इस, इसका फलित समझ में आ गया आप दशा डी कर सकते हो आप गोचर निकाल सकते हो आप ग्रह की आपसी तालमेल के बारे में बात कर सकते हो इतना सब कुछ इस एक छोटी सी टेबल में है ध्यान रखिएगा इसको इसमें एक बात का और ध्यान दीजिएगा इस टेबल में अगर आप नोटिस करें तो नीचे इधर समअप करके अड़तालीस पॉइंट लिखे आप देख रहे होंगे और सॉरी <coughs> <Sorry. coughs> सूर्य चाहे आपकी कुंडली हो मतलब आ, क्या कहूं देवशी की कुंडली हो योगेश धनुका जी की कुंडली हो ऋतु मेहता की कुंडली हो ऋतु छावड़ा की कुंडली हो मेरी हो सब में 48 बिंदु ही सूर्य को मिलते हैं इससे ना एक ज्यादा ना एक कम ये ध्यान रखिएगा चाहे ये सूर्य का अष्टवर्ग अलग अलग लोगों की जब कुंडली बनाएंगे तो अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे अलग नीचे लेकिन जब सबको सम करेंगे तो फाइनली उसका फाइनल आंसर फोर्टी एट ही आना है ये दिमाग में रखिएगा ये क्यों दिमाग में रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग इसकी वजह से इस सब्जेक्ट को मिसअंडरस्टेंड करते हैं या कैसे वो लगता है अरे अष्टक वर्ग में रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो इस नंबर पर ध्यान देते नहीं है जहां तक मुझे लगा है। तो इस नंबर को ध्यान में रखिएगा कि सूर्य में अड़तालीस आए आगे मैं करता हूँ इस टेबल का फिर मैंने एक छोटा सा यूज और किया ज्यादा मेहनत नहीं की मैंने कर्क लगन की कुंडली बनाई जो कि आपने देखा होगा जिस कुंडली के बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो कर्क लगन की थी तो एक खाली कुंडली बना ली और वो जो वर्ग हमने सूर्य का बनाया है उसमें जितने जिस राशि में पॉइंट मिले जैसे वृश्चिक में देखिए नीचे यहां पे सम करके तीन आया ये तीन लिखा हुआ वृश्चिक में तो मैंने वृश्चिक में तीन नंबर लिख दिया धनु में मेरे पास पांच आए तो मैंने यहां पर पांच लिख दिए इसी तरह कर्क में दस आए मकर में दस आए तो दो, दो आए तो दो लिख दिए ऐसे करके मैंने वही नंबर एक खाली कुंडली में जहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा है सिर्फ वही लगन लेना है जो कुंडली का लगन था उसकी खाली कुंडली बनाई और उनमें इन नंबर को बिठा दिया इस चार्ट को बोला जाता है ये जो चार्ट आप चार्ट की फॉर्म में बनाऊंगा तो इसे कहेंगे भिन्नाष्टक और अगर टेबल की फॉर्म में रख दूंगा तो प्रस्ताव दोनों एक दूसरे के पूरक है यहां से देख के आप इसे बना सकते हो और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये हम सारी मेहनत कर रहे थे आपने टेबल देखा था सूर्य टाइटल में लिखा था सूर्य के लिए उसी तरह से अः बाकी ग्रहों के लिए भी मेहनत की जाती है और शायद यही कारण है कि ये सब्जेक्ट कम पॉपुलर हुआ ये अभी हो सकता है काफी लोगों की स्क्रीन पे बहुत छोटा आ रहा हो लेकिन मैं फिर भी बता दूं यहां पर सूर्य चंद्रमा मंगल बुद्ध शुक्र गुरु शुक्र शनि और लगन सबके लिए ये टेबल तैयार की हुई आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाती है बनती कैसे है मैंने आपको समझा दी है मेरा प्रयास आप मैं चाहूंगा ये कि आप एक बार जरूर अपनी कुंडली पर इसको प्रैक्टिस करें जिससे आप ये टैली कर पाए कि आपको निकालना आ गया बाकी काम तो जो होगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर में सब कुछ निकल जाता है तो इस सॉफ्टवेयर में जैसे आप देख रहे हैं ये आठ कुंडलियां बन गई आठ कुंडलियां किससे सूर्य के लिए चंद्र के लिए मंगल के लिए जितने सात ग्रह और लगन उनके लिए सभी कुंडली तैयार हो गई अः ये क्लियर है और इन्हीं इन्हीं सब को इस्तेमाल करते हुए मैंने इनको कुंडलियों में भर लिया जैसे थोड़ी देर पहले भिन्नाष्टक मैंने अभी बनाया था आपने देखा हो सूर्य का बनाया था ना वैसे ही मैंने बाकी ग्रहों का भिन्नाष्टक वाली कुंडली तैयार कर ली अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं अभी तक उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे Uh, fine. चलो यार अच्छा लगता है जब सामने से आंसर आता है ओके यस फाइन इट जहां पे लग रहा होता है यार इतना मेहनत किया सामने वाला कह रहा है सर अभी एक बार और समझा दो क्या मुझे ये ये दिक्कत नहीं है कि समझाने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन फिर ये होता है कि अगर हमारे साथ 80 80 लोग बैठे हैं 80 भी नहीं में नब्बे लोग बैठे हैं तो नब, नब्बे लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा पर फिर भी मैं ये कहूंगा अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तभी मैं कह रहा हूँ प्राइवेटली मैसेज करना मैं नाम नहीं यहां पे करूंगा कि किसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा जाए जो कहे यार मुझे ये क्लियर नहीं हुआ पॉइंट कहाँ से आया तो इतना ऐसी कैलकुलेशन थी और इस कैलकुलेशन में बस ये है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है जैसे अभी आपने देखा कि एक ग्रह का तो मैंने बता दिया ऐसे सोचिए मैं चंद्रमा का भी बनाऊंगा मंगल का भी बुध का भी तो इसमें काफी टाइम लग जाता होगा जब जब तक लोग पहले मैनुअली काम करते थे हम जैसे तो है नहीं आसानी से सब कुछ रखा रखाया मिल गया इस वजह से इस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई होगी अब आगे देखते अब इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं कि ये जो हमने बना दिया अब इसमें कुछ फलित भी निकलता है या खाली कॉपी कॉपी को काला ही किया है हमने तो मैंने क्या पढ़ा वो आपके सामने रख रहा हूं सबसे पहला पॉइंट अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तीसरे छठे दसवें या ग्यारहवें भाव में है नॉर्मली हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं ये भी यही कह रहे हैं कि उसको अच्छा मानिए लेकिन अगर वहां बैठा हो और बिंदु भी ज्यादा मिल जाए तो भाई डेफिनेटली फिर तो व्यक्ति उन्नति करेगा और उसकी प्रतिभा छुपी नहीं रहेगी मैं दोबारा बता दू यदि आपकी पत्रिका में सूर्य तीसरे छठे या दसवें भाव में दसवें या ग्यारहवें भाव में है और वहां पर सूर्य के भिन्नाशक में अगर ज्यादा पॉइंट मिल रहे ज्यादा मतलब पांच मिल जाए मिल मिल जाए जाए देन फॉर छ्योर ये बंदा जरूर तरक्की करेगा इसकी प्रतिभा छुपी नहीं रहेगी अब हमारे पास आपने जब चार्ट अगर आपने बनाया हो वो वाला जो कर्क लगन की मैंने दिखाया था तो उसमें पांचवें घर में सूर्य था तो इस कारणवश यहां पर तो ये नियम नहीं लगा क्योंकि पांचवें घर का रोल ही रोली हमें तीन छे दस ग्यारह में चाहिए था तो ये पॉइंट यहाँ तो मिस हो रहा है लेकिन आप अपने घर पर अपनी पे जरूर लगाना कि अगर तीन छे दस ग्यारह में सूर्य लेके बैठे हो और वहां पे ज्यादा पॉइंट हो तो डेफिनेटली बंदा अपनी प्रतिभा को दिखा पाएगा मैंने जब आई और आईपीएस ऑफिसर्स के चार्ट पे काम किया था उसमें एक ये प्रिंसिपल लिया था तीन छह दस ग्यारह में सूर्य है क्या है ओके फाइन फिर देखा सूर्य के विंशोपक बल कितने हैं अष्टक वर्ग में कितने बिंदु उसको वहां मिले हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है तो एक तो ये ये फलित में इसका इस्तेमाल कर सकते हो इस नियम को लिख लो एक बात और मुझे बताइएगा किस किस ने वो चार्ट बना लिया है क्योंकि आगे कई बार हो सकता है मैं स्क्रीन पर चार्ट ना शो कर रहा हूँ सिर्फ भिन्नाष्टक खोलू और आप लोगों के पास वो चार्ट नहीं हो तो मैं एक बार वापस वो स्लाइड लगा देता हूँ जिससे आप लोग चार्ट बना लें छठे दसवें ग्यारहवें के पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया इसके बाद अगला पॉइंट क्या है सूर्य भिन्नाश्ट और भाग्यदायक दिशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोग क्या पूछते हैं सर कौन सी दिशा में हमारा भाग्यदय होगा आपके पास भी आएंगे कि किस डायरेक्शन में काम करूं कि जिससे मुझे फायदा ज्यादा हो तो ये कैसे बताते हैं बताया ये गया कि देखिए एक पांच नौ राशि आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए एक पांच नौ राशि को पूर्व दिशा माना गया है कि ये तीनों राशियां पूर्व दिशा को दर्शाती है दो छ दस दक्षिण दिशा को दर्शाती है तीन सात और ग्यारह पश्चिम दिशा को दर्शाती है और चार आठ बारह उत्तर दिशा को दर्शाती अब करना क्या होता है सूर्य बिन्नाष्टक में जितने पॉइंट एक पांच नौ में राशि में मिले टोटल उनको जोड़ लो जैसे अगर आप इस आ, स्क्रीन पर देखे तो ये एक नंबर की राशि में पांच लिखा है और ये पांच नंबर में चार लिखा है और ये नौ नंबर में पांच लिखा है तो मैंने इनको जोड़ लिया तो मेरे पास सम आया ये चौदह ये ऑन पेपर मैंने लिख लिया कि ईस्ट साइड की जो डायरेक्शन है उसको चौदह पॉइंट मिल रहा है इसी तरह से दो छे दस में देखा कि दो छे दस में कितने आए अः दो नंबर की राशि में लिखा है चार छ नंबर की राशि में लिखा है पांच और ग्यारह नंबर में लिखा दस नंबर में लिखा है दो तो पांचों दो सात सातों चार ग्यारह ग्यारह पॉइंट यहां पर भी आ गए सेम नंबर रहा आ जाइए अब उस पर आगे बढ़ते तीन सात ग्यारह की बात करते तीन यहां पर पांच यहां पर और चार यहां पर यहां पर ध्यान रखिएगा राशियों की बात की गई है भाव की नहीं तो तीन सात ग्यारह राशियों में कितने पॉइंट मिले अगर मैं जोड़ता हूं तो वहां बारह आ जाता है टोटल और जब मैं चार आठ बारह को जोड़ता हूं ये तीन है यहां पर तीनों पांच आठ हो गया और तीन यहां पर तो ग्यारह हो गया तो कुल मिलाकर जो दिशा हमारी यहां पर पश्चिम दिशा बनी वहां पर बारह पॉइंट मिले हैं और बाकी जगह पर कम मिले हैं अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको दिशाओं में ये बताएंगे कि भैया आपके लिए ज्यादा फलदायक पश्चिम दिशा है अच्छा यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना कि जो किताबों में नहीं लिखी लेकिन मैंने काम करते हुए देखी है कि अगर गैप बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है जैसे आपने देखा हो ग्यारह ग्यारह बारह कोई हार्डली एक नंबर का डिफरेंस है तो ये मेथड इतना कारगर नहीं लगेगा ये वहां कारगर लगेगा जहां पे अंतर मान लीजिए बाकी आठ नौ कुछ ऐसा चल रहा है और एक जगह सीधा पंद्रह सोलह आ गया तो डेफिनेटली फिर तो आप कह दीजिए इस डायरेक्शन में जाओ यहाँ पर भला होगा तो एक तरीका ये है इसका को देखने का इसके अलावा दिन का सही भाग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास पूरा दिन होता है ऑफिस में रहने का नाइन टू फाइव लोग जॉब करते हैं और पूछे होते हैं अप्रेजल के लिए बॉस से कब बात करने जाए या मीटिंग कब करे कि जहां पर मेरा पल्ला थोड़ा भारी हो सामने वाला मेरी बात को ध्यान से सुने तो अगर आपने उसके बारे में विचार करना हो सामने को वाले को बताना हो कि आपको कौन सा टाइम सबसे ज्यादा सूट करेगा तो उसका आसान उसका भी बड़ा आसान तरीका है उसमें कहा गया लगन से चौथे भाव तक के पॉइंट गिनो वो आपके दिन के पहले पहर को दर्शाएंगे नाइन टू इलेवन वाला जो टाइम है तो अगर मैं इस कुंडली में लगन से चौथे भाव तक गिनता हूं ये सब सूर्य में करना है लगन में पांच है दूसरे घर में चार है अगले में पांच है उससे अगले घर में चार है तो कुल मिलाकर अठारह पॉइंट आ गए मेरे पास तो यानी कि पहले हाफ में पहले वन थर्ड पार्ट में अठारह पॉइंट है फिर दोपहर ग्यारह बजे से लेके दो ढाई बजे तक का जो समय है वो होता है कुंडली के पंचम से लेकर अष्टम भाव तक का अगर वो गिनता हूं तो यहाँ पे लिखा है तीन पांच दो तीन अगर सबको जोड़ दू तो आठ और दो दस और तीन तेरह वहां अठारह थे यहां पे तेरह रह गए कोई बात नहीं अब दो बजे दो ढाई बजे के बाद से शाम छह बजे तक का जो स्पैन है जब तक सूर्य अस्त नहीं हो रहा अगर हम उस समय की बात करें <coughs> तो वहां पर देखिए तीन और पांच आठ और चार बारह और बारह और पांच सत्रह अगर मैं गलत नहीं गिर रहा हूं तो यहाँ पे सत्रह आता है तो सबसे ज्यादा अच्छा इस, इस नेटिव के लिए अगर इसने अपने बॉस से बात करनी हो या मीटिंग करनी हो लोगों से मिलना हो ज्योतिष का ऑफिस खोलना हो टाइम डिसाइड करना कब हम कर सकते हैं तो इनके लिए मॉर्निंग आज ज्यादा अच्छे और इम्पोर्टेंट रहे सोचिए जरा कितनी बातें इनसे बताई गई है कि भाई आप एक बार निकालिए और उसके बाद इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं भिन्नाष्टक को और अभी तक हमने वो सर्वाष्टक की बात ही नहीं की जो अधिकतर आप पढ़ते या देखते होंगे मेन काम इसी का ही होता है वो तो बाद में इस्तेमाल किया जाता है आइए आगे देखते हैं